दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को बेस्ट बॉलर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के पांचवें दिन दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम के स्कोर को पार कर दिया। दूसरे सेशन के खेल में न्यूजीलैंड की टीम 249 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और पहली पारी के आधार पर 32 रन की बढ़त हासिल की है। भारत के लिए शमी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट, वहीं ईशांत शर्मा ने 3 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप पंडित लीग, ड्रीम इलेवन या फिर आईपीएल क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते। दोस्तों बारिश के बाद देरी से शुरू हुए खेल के लिए 2-2 घंटे के हिसाब से 3 सेशन में 91 ओवर का खेल कराने का निर्णय हुआ और न्यूजीलैंड ने 101 रन पर 2 विकेट के स्कोर से पारी आगे बढ़ाई। भारतीय गेंदबाज की लाइन सटीक रही, लेकिन कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन और रॉस टेलर ने बेहद धीमी शुरुआत करते हुए पहले घंटे क्रीज पर टिके रहे। दूसरे घंटे में टेलर ने संयम खोया और मोहम्मद शमी की गेंद पर शुभमन गिल को एक्स्ट्रा कवर पर कैच थमा बैठे। गिल ने बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद क्रीज पर आए हेनरी निकोलस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और ईशांत शर्मा की गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों दूसरी स्लिप में लपक गए। रोहित शर्मा के ड्राइव लगाकर कैच पकड़ा। हेनरी निकोलस ने 7 रन बनाए और यहां से मोहम्मद शमी विजय वाटलिंग को 1 रन के निजी स्कोर पर बोल कर कीवी टीम को एक और झटका दे दिया। वहीं दूसरे सेशन से भी भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखी। मोहम्मद शमी ने अच्छी लाइन और लेंथ का प्रदर्शन करते हुए कॉलिन ग्रिंडहोम को 13 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद काइल जेम्सन ने कुछ एक और छक्के की मदद से 21 रन बनाए, उनको भी शमी ने आउट कर दिया। हालांकि दूसरे छोर पर केन विलियमसन लगातार रन बनाते रहे। 49 रन की निजी स्कोर पर उनको भी ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो गए और उनका दुर्भाग्य रहा कि वो अर्धशतक नहीं बना पाए। इसके बाद अश्विन अनिल वैगनर 0 को पवेलियन भेज दिया। टीम साउथी अंतिम विकेट के रूप में 30 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने और कीवी पारी 249 रनों पर सिमट गई। दोस्तों आज का पांचवा दिन का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 1 घंटा लेट होने के कारण ओवर कम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अभी 249 पर न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गई है। अब इंडियन टीम शुरुआत करने वाली है, जो कि ओपनिंग के तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए थे। हालांकि पहली पारी में फ्लॉप दोनों जरूर साबित हुए, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छी किए थे। अब देखना ही होगा कितनी अच्छी शुरुआत इंडियन के दुयो बेहतरीन खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखते। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया टीम कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला जीत पाएगी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप अभी भी लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे फॉलो करके उधर आपको लिंक मिल जाएगी फ्री चैनल की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।